आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो आपको इस चैनल पे क्लास 11 से रिलेटेड, क्लास 11, 12th बोर्ड से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको क्लास 11th एंड 12th का पूरा कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? अब तुम सबके 10th क्लास ओवर हो चुकी है और अब तुम 11th में एडमिशन लेने जा रहे हो। तो आज इस वीडियो का टॉपिक ये है कि कुछ मेजर मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा जो मोस्टली स्टूडेंट्स किया करते हैं, ठीक है? चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि कोई भी ये मिस्टेक ना करे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि 11th में आपकी 4 स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली, मैथमेटिक्स, बायो, कॉमर्स और आपकी ह्यूमैनिटीज़। तो हर स्ट्रीम के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, हर स्ट्रीम का अपना अपना करियर होता है, ठीक है? कोई भी स्ट्रीम ना ज़्यादा, मतलब कि कोई भी स्ट्रीम बेकार नहीं होती है। इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई स्ट्रीम आपकी बेकार नहीं होती है। हमें क्या लगता है, मेजरली हमें ये लगता है कि जो मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी है वो बहुत अच्छी स्ट्रीम है और बाकी जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ है वो बहुत बेकार स्ट्रीम है। ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखो यार, एक ही लाइफ है और जो भी तुम्हारा डिसीजन अब होगा ना वो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा? क्योंकि अब तुम्हारे सामने, तुम एक जगह ऐसे खड़े हो, तुम चौराहे पे खड़े हो चुके हो, ठीक है? अब तुम्हारे पास 4 रास्ते हैं और वो 4 रास्ते एक एक स्ट्रीम है तुम्हारी। तुम जिस स्ट्रीम को चूज़ करोगे अब तुम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? तो जब लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आपको इसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ओके? पहली मिस्टेक यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है स्ट्रीम के बारे में, वो बस सीधा ले लेते हैं। कैसे? उन्होंने जैसे कि स्कूल से आपके फ़ोन आ रहा है कि 11th के एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है? और फिर वो आराम से सोते रहेंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर वो आराम से जाएंगे लास्ट डे पे। लास्ट डे आराम से जाएंगे, यहाँ कौन सी स्ट्रीम है, क्या किस स्ट्रीम में इस बच्चे कम है, इस तरीके से मतलब कुछ भी फालतू की चीज़ें सोच के वो उस स्ट्रीम को ले लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस स्ट्रीम में आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है पहले, उसके बाद आपको उस स्ट्रीम को चूज़ करना है। नेक्स्ट मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि उनका वाई क्लियर नहीं है। उन्होंने अगर मतलब कि जैसे फ़ोन आया स्कूल से कि सर आप 11th क्लास में एडमिशन ले लीजिए, उन्होंने कहा ठीक है ले लेते हैं एडमिशन। स्कूल पहुँचते हैं, हाँ कौन सी स्ट्रीम लेनी है सर? कोई भी दे दो सर। कोई भी क्यों भाई, तुम्हारी एक ही लाइफ है ये, ठीक है? तो इस तरह नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है कि आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हो तो क्या आपको IIT क्लियर करना है? अगर आप बायो ले रहे हो तो क्या आपको एम्स जाना है? अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आप कॉमर्स क्यों ले रहे हो, ठीक है? अगर आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो लाइफ में तो आप उसका क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके? अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि डोंट फॉलो द राइट रेस। मेजरली जो बच्चे हैं वो कर क्या रहे हैं आजकल, बच्चे और इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि जब भी आपकी बात आती है क्लास 11th के टाइम पे स्ट्रीम्स लेने की तो उनको दो ही स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं, एक होती है आपकी मैथमेटिक्स और दूसरी होती है बायोलॉजी। बाकी सब ऐसा सोसाइटी के हिसाब से हम सभी लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बाकी सारी स्ट्रीम्स बेकार हैं। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर स्ट्रीम के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, ओके? हर स्ट्रीम का अपना अपना डायरेक्शन करियर है। फिर आपको वो चौराहे वाली बात को सोचिए कि अगर आप एक चौराहे पे पहुंच चुके हैं अब हर स्ट्रीम आपको एक अलग रास्ते की तरफ लेके जाएगी, लेकिन रास्ता कोई भी बेकार नहीं होता है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि आप प्रेशर में आके कोई भी स्ट्रीम ले ले रहे हो, ठीक है? आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने कोई गलत स्ट्रीम ले ली। लेट अस सपोज़ कि आपके पास, आपको कुछ इंजीनियरिंग करनी थी, ठीक है? आप इंजीनियरिंग में कुछ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे, आपने बायोलॉजी ले ली। कई ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था, उन्होंने बायोलॉजी ले ली, ठीक है? उन्होंने अपना पूरा फील्ड ही चेंज कर लिया, कुछ कॉमर्स में चले गए जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ ले लिए। तो इस तरीके की आपको बेवकूफ़ी अपनी लाइफ के साथ में नहीं करनी है, ठीक है? लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि 10th तक हमारी जो दोस्ती है बहुत अच्छी चल रही होती है, ठीक है? जब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी दोस्ती बहुत अच्छी चलती है। फिर क्या होता है, अभी तक आपके एग्जामिनेशन हुए नहीं हैं तो आपकी दोस्ती अभी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है? अब आपके स्कूल से फ़ोन आएगा या फिर मैसेज आएगा, फिर आप देखोगे कि 11th में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
ठीक है, आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट करोगे कि भाई हाँ हेलो, हाँ भाई कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं, भाई मैथ्स ले रहा हूँ। अच्छा एक को और किया, भाई कौन सी ले रहा है, भाई मैं भी मैथ्स ले रहा हूँ। अच्छा तो फिर आपने जो आपके पहले मैंने अभी चार पॉइंट बताए हैं इनको आपने, ये तो आप करोगे करोगे ठीक है, ये तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर आपने क्या किया, आपने कहा यार मेरा ये वाला दोस्त है, ये बचपन का दोस्त है, 10 साल का दोस्त है मेरा, ठीक है, अगर मैंने इस ये वाली स्ट्रीम नहीं ली तो मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मेजरली स्टूडेंट्स से मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने ये मिस्टेक करी हुई है और इसका कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में। एट लास्ट वहाँ पे पढ़ना आपको है, आपकी इस दोस्ती से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप दूसरी स्ट्रीम भी ले लोगे तो आपका दोस्त तो सेम स्कूल में ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और बाकी अगर आप क्लास 11th में, आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो आपको इस चैनल पर क्लास 11 से रिलेटेड, क्लास 11th 12th बोर्ड से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको क्लास 11th एंड 12th का पूरा कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।